एक क्या? अभी तो केवल एक स्वर बजा है, या कहूं एक अकेला आगे बढ़ रहा है, किंतु जब सभी स्वर एक साथ आएंगे तभी तो सरगम बनेगी राधे। काला की बांसुरी की धुन यशोदा, ये यशोदा इतने रात्रि को कहां चली गई? यशोदा, मर गए मैया। अब बाबा आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, किंतु मुझ पर बरस पड़े। रात्रि के इस पहर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? बाबा, हम कान्हा से मिलने जा रहे हैं। मेरी विनती है आपसे, आप मुझे रोकिएगा मत। मेरे कानों में बार बार कान्हा की बांसुरी की धुन गूंज रही है, और इसी कारणवश मैं स्वयं को उससे मिलने से नहीं रोक पा रही। काना से मिलने की इच्छा तो मेरी भी है। मैं सोच रहा हूं कि मैं भी तुम दोनों के साथ ही चलता हूं। हाँ हाँ, अवश्य बाबा, चलिए ना, आइए। लो, दूसरा सुर भी जुड़ गया। जी जी, कीर्तिता, जी जी, कान्हा के बांसुरी की मीठी धुन हमें भी सुनाई थी। जी जी, हमें भी साथ ले चलिए ना। हाँ कीर्तिदा, चलो चलिए। अरे ये क्या कृष्ण, अभी तो कह रहे थे कि दूसरा सुर जुड़ा है, और अब अचानक से चौथा सुर कहाँ से आ गया, तीसरा कहाँ गया? कभी कभी एक से अधिक सुर एक साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा अभी हुआ है, आगे भी हो सकता है। तुम और तुम्हारे तर्क, मैं तो तुम्हारा ये सरगम सुनकर अत्यंत आनंद में हूँ। बस तुम ऐसे ही सुर छेड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, और मैं मंत्रमुग्ध होकर इन्हें सुनती रहूंगी। इतनी रात्रि को तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? वो हम सबको कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है, तो यशोदा का कि हम सबसे रहा नहीं गया, इसलिए हम कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। इसलिए हम सब आपकी अनुमति लेने आए हैं। अच्छा, अनुमति लेने आए हैं, लो फिर अनुमति लो। ये अट्ठहास किस लिए? इसीलिए क्योंकि जिस प्रकार तुम सभी कान्हा से मिलने के लिए व्याकुल हो रही हो, उसी प्रकार हम सब भी हो रहे हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं। और सभी को एक जैसा आभास होना कितना विचित्र संयोग है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज कुछ विशेष होने वाला है। यहाँ समय व्यतीत करने से अच्छा है कि हम सभी साथ मिलकर कान्हा के पास जाएं। हाँ, चलो चलो चलो, आइए मेरे पीछे चलो। 12। लगता है तुम्हारी इस अनोखी सरगम में कुछ और नए सुर जुड़ गए हैं, है ना? पर अभी तो कई सारे सुरों को एक साथ छेड़ने का समय आ गया है राधे। मित्र, ये संपूर्ण वृंदावन वासी कहाँ जा रहे हैं? चलिए इन्हीं से पूछ लेते हैं। आप सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? नंद जी, वृंदावन का हर वासी
अपने कृष्ण को ढूंढने निकल पड़ा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी बांसुरी की धुन बार बार हमें पुकार रही है। ये धुन तो हम सभी को भी पुकार रही है। अब तो पूरा वृंदावन अपने कृष्ण को मिलने के लिए चलेगा। अब एक से हुए अनेक। कृष्ण के बांसुरी की धुन तो मैंने कई बार सुनी है, किंतु ये धुन अधिक ही मीठी लग रही है, क्योंकि आज की इस धुन में केवल प्रेम का ही नहीं अपितु भक्ति का रस, वात्सल्य और करुणा का रस भी खुला हुआ है। ये असंख्य भाव ही तो हैं जो मेरे आराध्य को इतना विशेष बनाते हैं। वो सबके मन में कोई ना कोई भाव जगाकर उन्हें अपना बना ही लेते हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है खाना, मुझे और हम सभी वृंदावन वासियों को क्षमा कर दो खाना। मैंने ही तुम्हें दंड देकर यहां वनवास भेजा है खाना, और अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी भूल को सुधारूं। तो मेरी तुमसे विनती है कि तुम और राधा हम सभी वृंदावन वासियों के साथ वापस चलो, घर चलो खाना। कृष्ण, तुम्हारी बांसुरी की धुन इस वन से कोसों दूर वृंदावन तक सुनाई दे रही थी। हम मंत्र मुग्ध होकर तुम्हारे ओर खींचे चले आए। हमारी विनती स्वीकार करो कृष्ण, घर चलो। हाँ कृष्ण, लौट चलो, घर चल लल्ला। मैं अवश्य वृंदावन लौटूंगा। किंतु उससे पूर्व आप सबको मुझे बताना होगा कि आपसे क्या भूल हुई थी। यदि आप इस प्रश्न का उचित उत्तर दे पाते हैं तो मैं वृंदावन लौटूंगा, अन्यथा नहीं।